खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। संजय राउत मीडिया के सामने सवालों का जवाब तो देंगे, लेकिन कहेंगे क्या? क्या कोई बड़ा ऐलान यहाँ से होने वाला है? क्या यहाँ से तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार बनने जा रही है, किस तरीके से बनने जा रही है, किसका कितना समर्थन मिला है, किसकी क्या भूमिका रहने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब क्या यहाँ से मिल पाएंगे? आइए जरा सुनते हैं क्या कहने जा रहे हैं संजय राव। जनता पक्ष सत्ता स्थापन करू शकला नाही, याचं खापर शिवसेनेवर फोडणं ये सर्वस्व चुकी। सरकार नहीं बना पा रही है, इसका ठीकरा शिवसेना पे फोड़ना पूरी तरह से गलत है। त्यानुसार जर कार्रवाई किंवा कार्यवाही झाली असती, जो पहले तय था, जो हमको शक दिया था, उसके हिसाब से यदि कार्यवाही हुई होती हे सांगण्याची वेळ आमच्या मित्र पक्षावर आली नसती। तो ये अहंकार, आम्ही विरोधी पक्षात बसू अहंकार था। उन्होंने कहा कि हम विरोधी पक्ष में विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, लेकिन शिवसेना को जो हमने जबान दी थी वो हम मानने को तैयार नहीं। आणि 50-50% हा फॉर्मूला आम्ही देणार नाही, और 50-50% की जो बात हुई थी वो हम नहीं देंगे। पक्षात बसू, मित्रांच्या हातात सत्ता द्यायचा प्रयत्न करू, किसी और के हाथ में सत्ता चले जाए तो हमें मानना है, लेकिन हम शिवसेना को 50% नहीं देंगे, मुख्यमंत्री पद देणार नाही, 50-50% फॉर्म्युल्यावरती विचार करणार नाही। या द्वेषाच्या आणि अहंकाराच्या भूमिकेतूनच महाराष्ट्रावर ही वेळ आली। बीजेपी के अहंकार की भूमिका के वजह से ही, बीजेपी में जो अहंकार है उसके वजह से महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी है वो इसलिए बनी है। याची सगळ्यात जास्त जबाबदारी भारतीय जनता पक्षावरच होती। आज जो हो रहा है उसकी सबसे ज्यादा जबाबदारी भारतीय जनता पार्टी पे है। किंवा शिवसेनेला दोष देऊ नये, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकाटिप्पणी करू नये। शिवसेना पे आप ना दोष दीजिए, उद्धव ठाकरे पे टीका टिप्पणी करना भी छोड़ दीजिए। या परिस्थितीत ढकललं ते महाराष्ट्राचे गुन्हेगार आहेत, केंद्रीय मंत्र्यांनी गुन्हेगार आहे। हिंदी में जानना चाहेंगे कि राज्य के जो वर्तमान परिस्थिति है, शिवसेना बीजेपी नहीं कह रही हमने गठबंधन तोड़ा, शिवसेना कह रही हमने नहीं गठबंधन तोड़ा, क्या सर हम आपसे जाने आज गठबंधन टूट गया? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यपाल से जाकर कहा है, राज्यपाल महोदय से, कि हम सरकार नहीं बना सकते, हमें मैंडेट नहीं, और शिवसेना हमारे साथ आने को तैयार नहीं, इसलिए हम बहुमत नहीं जुटा पा रहे, इसलिए हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये उनका अहंकार है महाराष्ट्र की जनता के प्रति, उनका एक तरह से अपमान है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, सत्ता नहीं बनाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में अपोजिशन में बैठने को तैयार है। लेकिन जो बात तय हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था 50-50 फॉर्मूला वाला, अढ़ाई अढ़ाई साल के मुख्यमंत्री पद बांटने के लिए वो देने को तैयार नहीं। आप उससे समझ सकते हैं किसके दिमाग में क्या था पहले भी और आज भी। अगर दोनों ने जो एग्रीमेंट किया था, जो बात तय हुई थी, उसके ऊपर अमल करता तो महाराष्ट्र में आज की जो स्थिति है वो निर्माण नहीं होती। लेकिन किसी भी हालत शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे, 50-50 वाला फॉर्मूला के ऊपर काम नहीं करेंगे, चाहे हमको विपक्ष में बैठना पड़े। इस अहंकार को महाराष्ट्र की जनता का मैं अपमान मानता हूं। केंद्रीय बीजेपी और शिवसेना को जनादेश नहीं मिला था, एनडीए को जनादेश मिला था, तो क्या ये जनता के संग धोखा नहीं है सर, एक तरीके से देखा जाए तो? आप बताइए। तो एक तरफ संजय राउत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार बाहर निकल आए अपने घर से, सुनते हैं। निवडणुकीच्या पूर्वीची आमची अरेंजमेंट आहे आणि काय जर असेल तो आमचा निर्णय दोघांचा एकत्र चर्चा करून होईल। जो भी निर्णय होगा काँग्रेस और हम दोनों मिलके चर्चा करके तय होगा। नवाब मलिकांनी म्हटलेलं होतं का? नवाब मलिकांनी सांगितलं असेल त्यांना विचारावं लागेल। संख्याबळ आज सादर करायला सांगितलं, बघूया ना, आता अजून काही चर्चा नाही। अनिल सावंत बोलायची वेळ
अभी समय है शाम तक। तो शरद पवार को आप सुन रहे थे, कांग्रेस से चर्चा करके तय करेंगे। शरद पवार ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। देखिए बहुत संभल कर एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस और एनसीपी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी इस मौके पर भी शरद पवार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से चर्चा करेंगे फिर तय करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम शिवसेना को देख रहे हैं, शिवसेना जो खुलकर सामने आ गई है, शिवसेना जिसने बीजेपी से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और जो अब पूरी तरीके से ये संदेश दे रही है कि वो तो जा रही है एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए। फिर लिए चलते हैं आपको संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो मानने को ही तैयार नहीं बीजेपी, तो कौन सा रिश्ता रहता है? राज्यपाल महोदय को जाकर कहा जाता है कि शिवसेना हमारे साथ आने को तैयार नहीं, इसलिए सरकार नहीं बन रही है। लेकिन हमसे पूछा तक नहीं गया कि जो बातें तय हुई हम उस बारे में चर्चा करें, तो ये कौन सा रिश्ता रहा? तो ऐसे रिश्ते मुझे लगता है अब एक औपचारिकता रही है। राहुल साहब, एनडीए तुन बाहर पड़ना का थेट प्रश्न है, कारण आज केंद्रीय मंत्रिमंडळातून आमचे मंत्री राजीनामा देत आहेत। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से हमारे मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि हमारे केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे साहब के आदेश से, उनको रात को आदेश दिया है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। जिस प्रकार का वातावरण महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो संजय राउत को आप सुन रहे हैं जो कह रहे हैं बीजेपी का अहंकार जिम्मेदार है ये दोस्ती टूटने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। हिंदी बोलते ना पहले, कंटिन्यू करते सर। एक बात बताइए कि क्या अभी मन बन चुका है एनसीपी का सपोर्ट करने का? जो कंडीशन था वो कंडीशन अब कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहा है। पर्याय सरकार देना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का भी निर्णय हमें अपेक्षित है। दोनों पार्टी का निर्णय होने के बाद आगे जो भी होगा वो हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। 10 बजे हमारी बैठक है। हमें जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने CWC की बैठक बुलाई है। निश्चित रूप से कांग्रेस भी कोई निर्णय लेगी और उसके बाद जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कुछ बड़ी चीज़ें हैं उस पर सहमति बनना जरूरी है। अगर सहमति बनती है तो निश्चित रूप से आगे दिशा में हम कदम उठाने का। कांग्रेस CWC की बैठक के बाद निश्चित रूप से उनके तरफ से क्या उन्होंने निर्णय लिया है वो जानकारी सामने आने के बाद निश्चित रूप से हम अपनी जो भी चीज़ें हैं वो लोगों के सामने रखेंगे। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाने पवार साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली कोर कमिटीची बैठक बोलावली आहे। सकाळी 10 वाजता ती बैठक सुरू होणार आहे। देखिए एनसीपी लगातार अभी राजदारी बरत रही है, पत्ते नहीं खोल रही है। संजय राउत क्या कह रहे हैं एक बार फिर से आपको लेकर प्रयत्न कर रहा राज्यपालांकडे तुम्ही विनंती करणार आहात का जी वेळ तुम्हाला वाढवून मिळावी? ज्या घटनात्मक तरतुदीनुसार आम्हाला काम करता येईल ते आम्ही करत राहू। घटना जो संविधान के तहत जो हमको काम करना है, जो प्रोसीजर है उसी के तहत हम काम करेंगे। मग प्रमुख आमच्या राज्याचे आहे, ते एक सद्गुरुस्त आहे, ते एक अनुभवी नेते आहे। हमारे गवर्नर एक सद्गुरुस्त है, वो बहुत पुराने नेता है, वो संविधान को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब घुटनों के बल चल नहीं सकते, मराठी में भी दूंगा और हिंदी में भी दूंगा। शिवसेनेवर राज्यपालाने सरकार स्थापनेची जबाबदारी विचारल्या, म्हणजे तुम्ही सरकार बनवू शकता का? गव्हर्नर ने हमको पूछा शिवसेना को क्या हम सरकार बना सकते हैं क्या? पण अधिक थोडा वेळ मिळाला असता आम्हाला यासाठी तर राज्याच्या हिताचं ठरलं असतं। तरी सुद्धा आम्ही सरकार बनवण्याची पावलं टाकतो। लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि शायद हमको थोड़ा टाइम और मिला होता तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको सरकार बनाने के प्रोसेस के और हम चल चुके हैं। राज्यातले दोन्ही प्रमुख पक्ष सातत्याने सांगतायत की भारतीय जनता पक्षाने
ज्या प्रकारचं काम राज्यात आणि देशात केलंय हे आम्ही असं म्हणत नाही. इस महाराष्ट्र के जो प्रमुख पक्ष है दो, एनसीपी और कांग्रेस, वो लगातार बीजेपी की कार्यशैली पे केंद्र और राज्य के सवाल उठाते आ रहे हैं. दोनों पक्षांना आवाहन आहे जाहीरपणे, आता तुमचा कसुडीचा क्षण आहे. अब मेरा उन दोनों पक्षों को आह्वान करता हूं कि ये अब परीक्षा की घड़ी है आपके लिए. यदि आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही थी तो आप अब सरकार बना सकते हैं. दोन्ही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी आपली आधीची वक्तव्य आणि भूमिका याला स्मरून, दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने जो अभी तक वक्तव्य दिया उसकी याद, उसे याद करके अब सरकार बनाने के लिए सामने आना चाहिए.